हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना ब्यूटी पार्लर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने पार्लर में स्टूडेंट से टेस्ट लेती हूँ किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने फेशियल के स्टेप्स का या फिर क्लीनअप के स्टेप्स का मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया, और जो कि मैंने अपने फेस पर लिया तो ब्लैक हेड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे, क्योंकि ऑयली स्किन है, तो इसलिए मैंने अपने फेस पर ही उनसे स्टेप्स करवाए। तो वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे स्क्रब से मसाज की थी, मैं करवाई थी मैंने। तो इस स्क्रब को पहले आप इस तरह से लेंगे, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको फेस के साथ साथ नेक पे भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से फेशियल स्टेप्स कर रही हैं, और ये बेसिक स्टेप होते हैं स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो मैंने देखा था कि किस तरह से ये करती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये कर रही हैं। और जिन एरियाज़ पर ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से रबिंग करनी होती है, जैसे कि नोज़ के साइड में और नोज़ पे, लोअर लिप्स पे। तो यहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑयली स्किन में यहाँ पे ज़्यादा डस्ट वस्ट जमी रहती है। तो देखिए, मैं इस तरह से ही अपने पार्लर में जो कोर्स करवाती हूँ, साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसी तरह से सीखने को मिलेगा, और इसी तरह से मैं सिखाऊंगी। तो दो क्लास मैं वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल में दबा दीजिए। तो जब भी मैं पार्लर की क्लास की वीडियो या फिर नॉर्मल पार्लर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने कितने अच्छे से इनको फेशियल स्टेप्स सिखाए हैं, और यही बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ये फेशियल स्टेप कर रहे हैं, और अपर लिप लोअर लिप में दोनों में एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, और नोज़ वाले एरिया में थंब से काफ़ी टाइट हाथों से करना चाहिए। तो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, जहाँ पर कि आपको वैक्सिंग की मिल जाएगी, सेल्फ का मैंने काफ़ी कुछ सिखाया है, सेल्फ की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो लोग घर पे खाली बैठे हैं इस टाइम पे और पार्लर सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको सेल्फ का देखना है तो वो सेल्फ वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर उनको कंप्लीट कोर्स करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके पास जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो देखनी है, और अपना मतलब 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, तो डेली आपको देख के बस आधा घंटा या जितना 15-20 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप सीख पाएंगे जिस तरह से आपने कहीं पार्लर जाके सीखना था। तो इस टाइम पे कोविड के चक्कर से कुछ लोग नहीं जा रहे इधर उधर, तो अगर वो लोग सीखना चाहते हैं तो वो लोग प्लीज़ ज़रूर सीखें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारा कोई लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं देखेंगे, हम छोटा क्रिएटर है वगैरह वगैरह, तो हम कुछ भी देखें तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और काफ़ी से लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरा सिखाने का तरीका। तो लोग लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं अपने पार्लर में सिखाती हूँ, और इनका मैंने टेस्ट लिया है आज। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं पहले दिन कैसे पार्लर में, वो पहले दिन कैसे उनका होता है जो फेशियल, जब उनको फेशियल करना आता नहीं है और पहले दिन जब उनसे करवाया जाता है, तो वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप उसको चाहे उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्टेप कर रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगे से महंगा प्रोडक्ट है, बट अगर आपको किसी काम को करने का ना सही तरीका पता नहीं है, तो आपका काम बिल्कुल अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो फेशियल करते टाइम पे आपने कभी नोट किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फेशियल करते हैं, कितनी महंगी महंगी किट लाते हैं बट ग्लो ही नहीं आता, तो वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है फेशियल करने का, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, फेशियल करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से आप फेशियल करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पर स्क्रबिंग करवाई थी और इन्होंने बहुत अच्छे से करी। तो नेक का आप हमेशा याद रखें कि फेस पे जब भी आप करें तो फेस के साथ साथ हमको नेक कवर जरूर करनी है। सो ब्यूटी पार्लर की क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। तो सिर्फ थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।